संचारी रोग अभियान व दस्तक के टास्क फोर्स की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने यूनिसेफ एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को 18 अक्टूबर से संचालित होने वाले संचारी रोग व दस्तक अभियान के तीसरे चरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि संचारी रोग अभियान 18 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक व दस्तक अभियान 18 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक चलेगा, जिसके तहत जनपद के सीएससी व पीएससी सहित जिला व महिला चिकित्सालय के साथ आशा बहु घर घर पहुंचकर दस्तक व संचारी रोग अभियान को सफल बनाने का काम करेंगी। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि संबंधित कार्यदायी संस्थाएं अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए दस्तक व संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाए। आप स्पेशली बोलो नगर निगम स्पेशल दिन का क्या है, मुझे लगता है देना चाहिए अभी इसमें लगता है आज वो तो एक फेज होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हमारी अभी छुट्टी में चुकी है। मुझे सुनो का एनआईवी ने जांच की है, उसमें से 61 इसे लिस्टेड टाइप ऑफ पॉजिटिव 61 जी, तो वो ये दिखा रहा है कि हम बरसात के मौसम में इफेक्ट करती हैं तो फिर वो इन्फेक्शन और सेम एज जैसे मस्तिष्क का जैसे कि इंसेफ्लाइटिस होती है सेम सिम्टम लेकर के बुखार झटके और ये सारी चीज़ें, और जो आउटब्रेक तक फिरोजाबाद में हुआ वहाँ पर भी कंडीशन डेथ में चेंज इतना रहने की जरूरत है। देखिए यहाँ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ का जो पूरा ज्योग्राफी का मैंने देख रहा था टोपोग्राफी है, उन चीज़ों को सपोर्ट हमें प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, मीडिया ब्रीफिंग बहुत जरूरी है, जो काम कर रहे हैं उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जो ही केस है मलेरिया नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसका प्रयासर बढ़ा करके हमारा वो जो है ग्राफ जो है उसको बढ़ा दिया। मीटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, यही रीज़न तो आप इसको ले लीजिए ट्रेनिंग वाला पार्ट और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट लगा दीजिए, ठीक है, मानना बहुत जरूरी है। विभाग की तरफ बात ही दिया जाता है कि आप इसको कैसे उपयोग करें। दूसरी चीज़ की जो टेक्निकल इसमें एनिमल बिहेवियर का इशू होता है, जैसे आम पब्लिक के होती है जब हम लोग को ट्रेनिंग दिया करते हैं तो उसमें ये होता है कि ये एनिमल अगर जैसे हमने रसायन उपलब्ध बता दिया कि ये चीज़ फर्स्ट टाइम रसायन है इसका उपयोग करेंगे तो ये जो है मर जाएंगे, जा रेलवे वाले भी बहुत परेशान थे कि ये नहीं होते हैं नहीं मरते हैं नहीं खाते हैं। एक्चुअली सर ये इनका जो एक ग्लीडिंग ग्रुप होता है जो ये टेस्ट करता है कि पॉइजनस है नॉन पॉइजनस है, और अगर अगर शुरू में ही वो पॉइजन दे दिया गया तो कभी नहीं खाते हैं और उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इनको एक सप्ताह का हमने साप्ताहिक कैंपेन चला जो हम माइक्रो प्लान में देते हैं कि एक सप्ताह तक इनको नॉर्मल भोजन दिया जाता है, वो भोजन दिया जाता है जिसमें हम एक सप्ताह बाद पॉइजन मिलाने वाले होते हैं, तो जो 8 घंटे आइसोलेटेड पोजिशन में रहता कि इससे कोई साइड इफेक्ट हो रहा है चक्कर या जो भी परेशानी आ रही है, अगर उसको फील होता है तो अलर्ट कर देता है कि वो कभी नहीं खाते हैं और चाहे जितनी बार आप परेशान करते हैं। तो मैंने आपसे बात की तो आपने यही मुझे बताया सर, सर तो याद आ गया तो क्योंकि ये मैं ज्वाइन किया था तो मैं क्या ये कह दीजिए सर, मुझे इतना सीरियसनेस नहीं पता था कि चोर से ये हो सकता है सर, ये बिहेवियरल